गाइज, आपने शायद सुना होगा कि आपके स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा है वो एक 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर में से कोई प्रोसेसर है। लेकिन गाइज, आपने कभी सोचा है कि ये 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर कौन चीज़ है, और साथ ही में इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर्स में क्या अंतर है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा प्रोसेसर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज, ये जो नैनोमीटर वाली टर्म है वो रिलेटेड है प्रोसेसर से, और जो प्रोसेसर होता है वो समझ लीजिए एक ब्रेन होता है आपके स्मार्टफोन का या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस का, जैसे आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है यूज़ होता है प्रोसेसर, और साथ ही में जो है एक प्रोसेसर के अंदर होते हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और जो एक ट्रांजिस्टर होता है वो समझ लीजिए वर्क करता है एक ऑन ऑफ स्विच जैसा, और इसीलिए जो है प्रोसेसर के अंदर बिलियंस ऑफ स्विचेस होते हैं, और उन स्विचेस के अलग अलग कम्बिनेशन से जो है आप समझ लीजिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो पाती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें तो गाइस, जो एप्पल की A16 बायोनिक चिप है उसमें 16 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं, और जो A17 प्रो चिप हैं उसमें 19 बिलियन के आसपास ट्रांजिस्टर्स हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इतने जो हैं स्विचेस हैं उस प्रोसेसर के अंदर, जो कि जो हैं अलग अलग टाइप से कनेक्ट होके जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। तो गाइज, एक प्रोसेसर के अंदर इतने बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को पैक कर पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए गाइज हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जिसको हम मोर टेक्निकल रूप से कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। तो गाइज, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि यूज़ करी जाती है प्रोसेसर्स के मैन्युफैक्चरिंग में। तो गाइज, हम जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक प्रोसेसर के अंदर पैक कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा उस प्रोसेसर की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि जो एक ट्रांजिस्टर होता है वो एक ऑन ऑफ स्विच होता है, और ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होने का मतलब उसमें स्विचेस की संख्या बढ़ गई, और स्विचेस की संख्या बढ़ने का मतलब हो गया कि उसमें अलग अलग कम्बिनेशंस भी ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब है कि वो प्रोसेसर एक ही बार में ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर लेगा, और लेकिन हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को अगर बढ़ाएंगे तो उससे प्रोसेसर का जो साइज है वो भी बढ़ेगा, तो वो जो लॉजिक बोर्ड है जिस पे ये प्रोसेसर लगा होता है अब वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि इस बड़े प्रोसेसर को रखा जा सके। इसीलिए गाइस, जो है हमें फिर एक जो एक ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर के साइज को घटाना पड़ेगा, जिससे कि उसमें कम ही साइज के ट्रांजिस्टर होंगे, तो अगर वो बिलियंस ऑफ क्वांटिटी में होंगे तो उससे जो है प्रोसेसर काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो वो इजीली जो है लॉजिक बोर्ड पर फिट हो जाएगा। इसीलिए गाइस, जो है हम ट्रांजिस्टर के साइज को घटाते हैं, और घटाने से एक और भी फायदा है कि जो प्रोसेसर की एनर्जी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि प्रोसेसर काफ़ी कम ही एनर्जी खाएगा, और साथ ही में जो है वो लेस एनर्जी को वेस्ट करेगा हीट के फॉर्म में, जिससे कि आपका जो स्मार्टफोन है जो कंप्यूटर है वो काफ़ी कम गर्म होगा, और उसमें जो बैटरी लाइफ है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो गाइज, अब अगर हम बात करें 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर, यानी कि ये जो नैनोमीटर वाला टर्म है उसके बारे में, तो ये एक यूज़ किया जाता है या समझ लीजिए आप रिफ़र किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के लिए, यानी कि जिस टेक्निक के माध्यम से प्रोसेसर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस टेक्निक को रिफ़र किया जाता है इस नैनोमीटर वाले टर्म से। और साथ ही में जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन या कह लीजिए कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में ये है कि वो लोग कहते हैं कि 4 नैनोमीटर वाला जो प्रोसेसर है उसका मतलब उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा है उसका जो साइज है वो 4 नैनोमीटर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नैनोमीटर वाला जो टर्म है वो यूज़ होता है, समझ लीजिए एक मार्केटिंग टर्म है ये, जो कि यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के लिए। क्योंकि गाइस, जो 5 नैनोमीटर वाला मान लीजिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है उसमें जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर के बीच में हमें देखने को मिलता है,
तो यानी कि जो नैनोमीटर वाला टर्म है वो एक मार्केटिंग टर्म है, ना कि गाइज ये रिफर करता है कोई ट्रांजिस्टर के साइज को। तो गाइज आपको अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि अलग अलग नैनोमीटर वाली मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स किस किस ईयर में इंट्रोड्यूस की गई। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 3 नैनोमीटर वाली टेक्निक है वो गाइज अभी रिसेंटली 2022 में आई थी, और साथ ही में अभी आगे जो है 2024 में हमें जो है 2 नैनोमीटर वाली टेक्निक भी देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये जो नैनोमीटर वाला टर्म है ये जितना कम होता जाएगा, यानी कि जैसे 7 नैनोमीटर था, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर अब 2 होने वाला है, तो ये जितना कम होता जाएगा उतना ही हमारा प्रोसेसर जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होता जाएगा, और साथ ही में उतनी उस प्रोसेसर की स्पीड भी तेज होती जाएगी। तो गाइज अगर हम देखें एक एग्जांपल जिसमें हम मान लीजिए तुलना करें 3 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर वाली मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से मैन्युफैक्चर हुए प्रोसेसर्स की, तो गाइज जो 3 नैनोमीटर वाली टेक्निक से मैन्युफैक्चर प्रोसेसर है उनकी जो स्पीड है वो लगभग जो है 15% ज़्यादा है अगर हम तुलना करें 5 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर से, और साथ ही में जो इनकी एनर्जी कंजम्पशन है वो भी 30% कम है, यानी कि गाइज वो जो है लेस एनर्जी वेस्ट करेगा, यानी कि जो है आपका फ़ोन भी कम गर्म होगा, और फ़ोन कम गर्म होने का मतलब है कि आपकी बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी, और ये हमने इसे डिटेल में एक वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है जिसकी लिंक आपको इस आई बटन में मिल जाएगी, उसमें आप समझ सकते हैं अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को कैसे ज़्यादा इम्प्रूव करें, यानी कि आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को कैसे बढ़ाएं जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो लंबे समय तक चल पाए। तो गाइज यानी कि अगर हम कुल मिला के देखें तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर वो है जो जितने कम नैनोमीटर वाले टर्म से मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी कि जैसे अभी फ्यूचर में हमें 2024 में 2 नैनोमीटर वाले टर्म से मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोसेसर्स भी देखने को मिलेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगे अगर हम इसे तुलना करें अभी प्रेजेंटली 3 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर्स से। और गाइस साथ ही में अगर आपको भी जानना है कि आपके डिवाइस या स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर है, मतलब कौन नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से वो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर हुआ है, तो गाइस आप उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में प्रोसेसर की डिटेल में जा सकते हैं, और उस प्रोसेसर की डिटेल को आप देखने के बाद पता कर सकते हैं कि इसमें जो है कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो गाइज उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि ये नैनोमीटर वाला टर्म किस लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही में एक इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी मिसकंसेप्शन भी या मिस इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हुई कि जैसे लोग कहते हैं ये जो 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है उसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है उसका साइज 4 नैनोमीटर है, ये खाली एक मार्केटिंग टर्म है जो कि रिफर होता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जितना नैनोमीटर वाला टर्म ये कम होगा, यानी कि अगर 3 नैनोमीटर वाले हमें हम कंपेयर करें 4 नैनोमीटर वाले से, तो 3 नैनोमीटर वाले में हमें छोटे ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे 4 नैनोमीटर वाले की तुलना में। इसका मतलब है कि 3 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी बेस्ट है, लेकिन गाइस जब 2 नैनोमीटर वाली आ जाएगी तो उसमें हमें और छोटे ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे, तब वो बेस्ट हो जाएगी। यानी कि गाइस अगर आपको बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चाहिए तो गाइस आप उस स्मार्टफोन के प्रोसेसर में नैनोमीटर वाले टर्म को जरूर चेक करें, और गाइस साथ ही में आप इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे जो मिसकंसेप्शन है लोगों में वो क्लियर हो पाए। और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी देखा कि कौन सा प्रोसेसर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन एनर्जी इफ़िशियंट है, और कौन जो है स्पीड जिसकी ज़्यादा है वगैरह वगैरह, तो हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी डाउट है या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप अगला वीडियो चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।